एवरीबडी, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? मैं बनाने वाली हूँ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, चिकन ब्रोस्ट KFC स्टाइल। तो देखते हैं हम चिकन ब्रोस्ट कैसे बनाते हैं। चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और स्टे ट्यून। और जो लोग नए आए हैं, नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन फ्री है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपका एक एक व्यूज़ हमें मोटिवेट करता है, हमें अच्छे अच्छे रेसिपीज़ डालने में मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। चलो देखते हैं हम चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। पहला तो चिकन लगेगा हमें। मैंने ये चिकन ड्रमस्टिक्स लिए और ऐसे मैंने काट लिए। मैंने यहाँ पे 4 चिकन ड्रमस्टिक्स लिए हैं। ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स के ड्रमस्टिक है, आधा किलो के हैं। और ऐसे ड्रमस्टिक्स ले रहे हो या कोई चिकन का फुल पीस ले रहे हो, चिकन लेग का फुल पीस ले रहे हो, तो यह ऐसे उसको कट कर लेना। ओके, और फिर देखते हैं। हमें यहाँ पे 1 कप दही लिया है मैंने। 1 कप दही है ये, और आधा कप पानी लगेगा। एक नींबू का रस लगेगा। मेरा दही जो है मैंने घर पे बनाया है तो फ्रेश है। आपका 1-2 दिन पुराना दही रहेगा तो सिर्फ आधा नींबू का रस ले लेना। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा। और सूखे मसाले में हमें धनिया पाउडर मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है। चिकन मसाला मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने तीखा मसाला लिया है, रेड चिल्ली पाउडर। और कश्मीरी लाल चिल्ली पाउडर मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है। आप कोई भी चिकन मसाला ले सकते हो, चिकन टिक्का मसाला ले सकते हो, चिकन तंदूरी मसाला ले सकते हो। आपके पास जो चिकन मसाला है आप वो ले सकते हो। अब हम चिकन मैरिनेट करते हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक डालते हैं। मैंने इतना नमक लिया है। अब इसे मैरिनेट करके रख देते हैं। चिकन यहाँ पे मैरिनेट करके रख दिया है मैंने। अभी इसको रेस्ट करने दो ऐसे ही। अभी हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम हमारा दही मिला लेंगे। सारा दही मिला लो। और इसमें 1/2 कप पानी, इतना मैंने बचा लिया है 1/2 कप से। अगर हमें लगेगा तो हम वापस डाल देंगे। बस, और नींबू और सारे सूखे मसाले हम इसमें डालेंगे। सारे सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक पतला पतला लिक्विड जैसा कंसिस्टेंसी बनाना है हमें इसका। हमने इसका ऐसे लिक्विड कंसिस्टेंसी बनाया है, ऐसे एकदम पतला बनाना है। तो हम अभी इसको चिकन मैरिनेटेड चिकन में डाल देंगे। और इतना हमने बचा लिया है ऑलमोस्ट। एक कप के उतना हमने बचा लिया है। मैं ये बाद में बताती हूँ हमने ये क्यों बचाया है। ये अभी ऐसे ही मैरिनेट करके, हमें मैरिनेट करके ऐसे ही इसको भिगा के, इसको डुबा के फ्रिज में रखना है एटलीस्ट 30 मिनट्स। आप ये मैरिनेट करके फ्रिज में रखो। मैं तो ये दो घंटे के लिए मैरिनेट करके रखती हूँ, 1-2 घंटे के लिए। आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप 30 मिनट्स एटलीस्ट ये मैरिनेट करके फ्रिज में रखो।
अब आते हैं हम इसके सेकेंड स्टेप की तरफ, और अभी हमें इसका सेमी थिक कंसिस्टेंसी का डो बनाना है। तो हमें इसमें लगेगा एक कप मैदा, जो हम इसे डाल देंगे, और एक एग, एक अंडा, और ये जो मैंने बचाया था लिक्विड कंसिस्टेंसी का ये मिक्सर, मैं अभी इसमें ये डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा डालना है, और अभी इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया है। और अभी हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मिला के आपको मिलती हूँ। मैंने सब यहाँ पे मिला लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी ये रही। हमें ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए, ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी है इसकी। और मैंने जो बैटर, लिक्विड बैटर लिया था, ये पूरा कप मुझे लगा है, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा और पानी मिलाया है, मतलब हाफ कप की ऊपर मैंने पानी मिलाया है, हाफ कप के उतना मैंने पानी मिलाया है, वो पूरा कप जो बैटर था, लिक्विड बैटर, और हाफ कप हमारे ना हाफ कप पानी हमें इसमें लगा है। ठीक है, अब हम इसे रेस्ट, इसको इसमें नमक डालते हैं, और नमक आराम से डालो, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि हमने चिकन में ऑलरेडी नमक डाल लिया है, इतना से कम। ठीक है, इतना नमक मैंने डाला है, इसको मिला ले, मिला लो, और अच्छे से इसको रेस्ट करने के लिए रखो। हमारा बैटर यहाँ पे रेस्ट करने रख देंगे हम, रेस्ट कर रहा है, तब तक हम तीसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में हमें एक कटोरी मैदा लगेगा, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है। यहाँ पे हमें इसको मिलाना है, और थोड़ा सा नमक भी मिलाना है। बस इतना नमक मिला के इसको मिक्स कर दो। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का पीस लिया है, इसको कद्दूकस किया है, और ये हम इसमें इस ड्राई बैटर में डाल देंगे, ड्राई मिक्सचर में, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ये जो अदरक का जूस है इसे अच्छे से लगना चाहिए पूरे आटे में। हाथ धो लेना, मेरा हाथ साफ है, मैंने धो के ही ये मिक्स कर रही हूँ। अब अच्छे से हाथ धो के ये मिक्स कर लेना, और अभी हम इसको ऐसी रखते हैं 5 मिनट के लिए। जो चिकन हमने फ्रिज में रखा था मैरिनेट करने के बाद रेस्ट करने के लिए, वो हमने निकाला है, और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है तेल गरम करने के लिए। तो चले हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। हमारा चिकन ब्रोस्ट कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। तेल अच्छे से गरम होने दो, हाई फ्लेम है मेरा, और ये अच्छे से गरम होने दो, इसे चेक करते रहना, अच्छे से गरम होना चाहिए तेल। तब तक हम अपना तीनों बैटर ले लेते हैं, और इसे अच्छे से, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लो। और हम एक चिकन पीस को निकाल लेते हैं, और इसमें डिप कर देते हैं, इस सेमी लिक्विड बैटर में हम इसे डिप कर लेंगे, और इसे इसमें कोटिंग करने के लिए इसको अच्छे से इस ड्राई फ्लावर में इसको अच्छे से कोटिंग कर लो। सारे चिकन ऐसे ही कोटिंग करके हमें फ्राई करना है।
एक चिकन मैंने कोट कर लिया, अभी दूसरी उसे ले ड्रम स्टिक पे जाते हैं। इसको अच्छे से डिप करके इस बैटर में डिप कर लो। और इसको अच्छे से कोट कर लो, सारे ड्रमस्टिक में अच्छे से कोट कर लूँ। और फिर गरम गरम तेल में इसको फ्राई करते हैं। तेल हमारा यहाँ पे गरम हो रहा है। जब भी आप चिकन इसमें डालने वाले हो गए ना, तभी फ्लेम थोड़ा सा लो फ्लेम पे रखो और चिकन डाल दो। और फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लो, आधे मिनट के लिए फ्लेम हाई करो और ऐसे ही हाफ मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाओ। और फिर फ्लेम लो मीडियम पे रख दो। अब मैं लो मीडियम करके इसको एक साइड चिकन का एक साइड 10 मिनट के लिए पकाना है हमें। 10 मिनट तक इसको एक साइड पकाने दो। चिकन एक साइड 10 मिनट तक रखो, क्योंकि उसका जो टॉप लेयर है, उसका जो मैदा है, वो भी पकना है और अंदर का चिकन भी अच्छे से पकना है। इसलिए एक साइड 10 मिनट तक रखो और फिर इसको हम पलटते हैं। एटलीस्ट नॉट 10 मिनट तो 7-8 मिनट्स तक पकने दो उसे अच्छे से। 7 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया है और अब हम इसे पलटते हैं। और अभी हम इसके दूसरा साइड भी पका लेंगे। हमारा दूसरा साइड भी यहाँ पे पक चुका है, देख लो। और हमें अभी देखो, मैं ऐसा देख चेक कर रही हूँ कि हमारा चिकन पक चुका है, ठीक है। और अभी हम इसे थोड़ा फास्ट गैस करके इसको क्रिस्पी बना देते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए रखेंगे इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। फिर हम इसे निकाल लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा फास्ट गैस पे रखना, फिर इसको निकाल लेना। हमारा चिकन यहाँ पे रेडी है। मैं इसको उसका ऑयल ड्रेन करके इसको निकाल लूँगी। और अभी हम इन दोनों को भी डाल देते हैं। हमारे ये दो भी रेडी है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। एक टिप है, जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करने के लिए चिकन रखोगे, उतना कम टाइम लगेगा आपका चिकन पकने में। तो अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करके रख दो फ्रिज में, और उतना कम टाइम आपको चिकन बनाने में लगेगा। ये रहा हमारा चिकन ब्रोस्ट रेडी। और प्लीज़ मुझे बताना कैसी थी रेसिपी, और प्लीज़ बना के देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको। ये है मेयोनीज और ये रहा केचप। ये मेयोनीज की रेसिपी मैं मेरे चैनल पे है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने घर पे बनाया है, तो आप चेक कर लो उसे।
प्लीज़ बना के बता खाओ और मुझे बताओ कैसा रहा ये चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जो नए आए हैं व्यूअर्स वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपका एक एक व्यूज़ और एक एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। गिव योर लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, टेक केयर।